लैंग्वेज ग्रूम्स योर पर्सनैलिटी, ओनली लैंग्वेज इज द थिंग फ्रॉम विच वी कैन एक्सप्रेस अवर आइडियाज अवर इमोशंस। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन कुमावत, इंग्लिश लेक्चर, ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। सो डियर वंस, टुडे आई वेलकम यू अगेन इन माई स्पोकन क्लास डे 13। टुडे वी विल लर्न the five phrases to end a conversation. It is easier to start a conversation, but it is more important how to end a conversation, because first impression is the last impression. So dear ones, we will learn the five phrases. Look at the board. Five ways to end conversation politely. फर्स्ट, इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू। आप किसी से बातचीत करके, जब आपको बातचीत ख़त्म करना हो तो आप बोल सकते हो कि आपके साथ बातचीत करके अच्छा लगा। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू। सेकेंड, वेल इज गेटिंग लेट। सपोज आप दोस्तों के साथ गॉसिप कर रहे हो, बैठे हुए हो, और फोन आ गया घर से, मम्मी का, पापा, किसी का भी, आपको जाना है, तो आप बोलेंगे वेल इट्स गेटिंग लेट, कि मुझे देरी हो रही है, सो आई हैव टू गो, मुझे जाना। थर्ड वन, एनी वे आई शुड गेट गोइंग, किसी भी तरह मुझे जाना चाहिए। आई शुड गेट गोइंग मीन्स मुझे जाना चाहिए, मीन्स देर इज एन इमरजेंसी या देर इज एन अर्जेंट वर्क। फोर्थ वन, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ बट आई एक्चुअली गॉट अ रन। आई एक्चुअली गॉट अ रन मीन्स आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे बीच में आपकी बातचीत को इंटरप्ट करना, कट यू ऑफ का मतलब बीच में रोकना, इंटरप्ट करना, उसके लिए मुझे माफ़ करना, बट मुझे जाना है। आई गोडा रन, कि मुझे जाना है। फिफ्थ वन, सॉरी बट आई एम अफ्रेड आई नीड टू लीव। लेकिन सेकेंड, सॉरी माफ़ करना, मुझे भय है, ये सबसे फॉर्मल तरीका होता है, ध्यान रखिएगा, मुझे भय, आई नीड टू लीव, कि मुझे निकलना है, मुझे यहाँ से जाने की जरूरत है। सो डियर वंस, दे आर द फाइव फ्रेजेस, फाइव वेज फ्रॉम विच वी कैन एंड अवर कॉन्वर्सेशन। सो यू कैन यूज इन योर स्पीकिंग स्किल्स, यू कैन कम्युनिकेट बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, दीज फ्रेजेस। इट विल हेल्प यू टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी, योर लैंग्वेज। सो कीप लर्निंग इंग्लिश विद द साइलेंट टीचर। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन यू कीप लर्निंग। बाय।